नीतीश कुमार जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये पीएम मटेरियल पीएम कैंडिडेट के एक दावेदारी पेश करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे। बिंदिया गठबंधन को जन्म दिया इन्होंने, कांग्रेस मान का रही है जी, कांग्रेस को मानना, बिल्कुल मानेगी कांग्रेस, एकदम मान रही है। लोग भाजपा वाले फूट करना चाहते हैं, दलाल पैदा करना चाहते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, भाजपा वाले सिर्फ देखते रहेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे नीतीश कुमार बन जाने, एकदम बनेंगे। नंबर वन की पार्टी है, बोलने वाले बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। नीतीश कुमार की सदारत में, राष्ट्रीय नेतृत्व में एक नई अंगड़ाई लेने जा रहा है जेडीयू, और मजबूत होगी जेडीयू, जी जी जी, नीतीश कुमार मजबूत है, होगी क्या, मजबूत है ही। चिराग पासवान को देख लीजिए ना आप जाकर, वो अपने चचे भतीजे में नहीं एक है तो दूसरे को क्या बताएंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नीतीश कुमार का पटना पहली बार आगमन हो रहा है, और उससे पहले बड़ी तैयारी स्वागत को लेकर है। ये बाइक जुलूस में वो यहाँ से निकल रहा है और सीधे एयरपोर्ट जाएगा, एयरपोर्ट नीतीश कुमार का भव्य स्वागत जो है वो किया जाएगा। और ये जो अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं, जो नीतीश कुमार को चाहते हैं, जो पसंद करते हैं, वो यहाँ से निकल रहे हैं, चूँकि 5-10 की उनकी फ्लाइट दिल्ली से है और तकरीबन 6:30 बजे तक वो पटना पहुँच जाएंगे। और उससे पहले पटना में जो है वो पूरी तरीके से पटना जो है वो जाम हो चुका है, लोगों से जानेंगे कि किस प्रकार से लोगों का जो जोश है वो हाई है, चूँकि साफ तौर पर ये देखने को मिल रहा है कि लोग कितने उत्साहित हैं। नीतीश कुमार के आने के बाद ऐसी उम्मीद है कि पार्टी जो है का ग्राफ और ज़्यादा ऊपर जाएगा, चूँकि जेडीयू में टूट को लेकर कई चर्चाएं थी। और इस बीच हम बात करेंगे लोगों से, ये जोश कहा जाए, ये स्वागत है नीतीश कुमार का, जी स्वागत है, जोश और जश्न का माहौल है, आम कार्यकर्ताओं में खुशी है। बिहार ने नीतीश कुमार की सदारत में, राष्ट्रीय नेतृत्व में एक नई अंगड़ाई लेने जा रहा है, मजबूत होगा जो देश और प्रदेश की दिशा तय करेगा। मजबूत हो रही जेडीयू, मजबूत तो है और मजबूत होगा। प्रदेश महासचिव बिहार प्रदेश जेडीयू सह जिला संगठन प्रभारी सीतामढ़ी, ये हुजूम है लोगों का, और भी लोगों से बात करेंगे। जेडीयू और मजबूत होगी जेडीयू, जी जी जी, नीतीश कुमार मजबूत है, होगी क्या, मजबूत है ही। कहा था कि 3 नंबर की पार्टी, नहीं नहीं नहीं, नंबर वन की पार्टी है, बोलने वाले बोलिए नीतीश कुमार जिंदाबाद। चिराग पासवान को देख लीजिए ना आप जाकर, वो अपने चचे भतीजे में नहीं एक है तो दूसरे को क्या बताएंगे। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद लोगों का चाचा। जेडीयू और मजबूत होगी, जेडीयू और मजबूत होगी, बिल्कुल मजबूत होगी, एकदम एकजुट है जेडीयू, एकजुट है। और ये नीतीश कुमार जो आज राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, ये पीएम मटेरियल पीएम कैंडिडेट के एक दावेदारी पेश करेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, मोदी का विकल्प बनेंगे, बिल्कुल बनेंगे, विकल्प हैं। इंडिया गठबंधन को जन्म दिया इन्होंने, कांग्रेस मान का रही है जी, कांग्रेस को मानना, बिल्कुल मानेगी कांग्रेस, एकदम मान रही है। कोई फूट करने से, जो लोग भाजपा वाले फूट करना चाहते हैं, दलाल पैदा करना चाहते हैं, कोई से फर्क नहीं पड़ेगा, मुसलमानों का समर्थन यहाँ पे तो देख, भाजपा वाले सिर्फ देखते रहेंगे कि प्रधानमंत्री कैसे नीतीश कुमार बन जाने, एकदम बनेंगे। विकल्प कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार क्या है, एकदम बनेंगे, आगे आगे देखते जाइए कि नीतीश कुमार कैसे प्रधानमंत्री बनते हैं। इनका काम और कार्य नहीं दिख रहा कि बिहार को जमीन से जोड़ के इन्होंने काम जो किया, कांग्रेस को समझना चाहिए। अरे भाई साहब, कांग्रेस को, अरे ये तो पार्टी में आपस की बात है, वो आपस में सब लोग कर लेंगे। ये लोग जो है वो इनके चेहरे की मुस्कुराहट इस बात को बयां कर रही है कि नीतीश कुमार के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से जेडीयू कितना मजबूत होगा। ये जोश काफी हाई है। नीतीश कुमार एयरपोर्ट पहुंचेंगे और उससे पहले पटना पूरी तरीके से जाम हो चुका है। सहयोगी अजय के साथ बिरजू सिंह, पटना।